कटनी में मेडिकल कॉलेज की घोषणा होने के बाद जिला जन अधिकार मंच ने इसे जिले के आम जनमानस के साथ में छलावा और धोखा बताया है। जन अधिकार मंच ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा कटनी की आम जनता को बरगलाने और वोट हासिल करने का षड्यंत्र है। मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि असाधारण राजपत्र में प्रकाशन किए बगैर मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात बेमानी है। कटनी में जो मेडिकल कॉलेज की कल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के द्वारा बुलाई गई थी, वो एक छलावा और वोट बैंक का खेल था। उसका खुलासा करने के लिए आज हम लोगों ने वार्ता बुलाई थी। इस वोट के लिए इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज की जो लॉलीपॉप दिया है, उसमें आम जनता सतर्क रहे और अपने मत का सही सदुपयोग करे। मेडिकल नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप। आज सुबह सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मोबाइल पर मुझे बातचीत करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा, संदीप, तुम्हारे कटनी के लिए मेडिकल कॉलेज की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई और इस संबंध में पत्र भी जारी हो रहा है और मैंने आप सबको उस पत्र की प्रति भेज दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कटनी को इतनी बड़ी सौगात दी। मेडिकल कॉलेज को लेकर जो हम लोगों ने जन जागरण अभियान चलाया था, उसकी के चलते भाजपा के द्वारा आनंद फानंद में जो पत्र जारी किया गया है, वो पत्र वैधानिक पत्र नहीं है। इसलिए उसके खिलाफ हम लोगों ने लेके आए हैं कि ये जो पत्र जारी करके प्रलोभन दे रही है भाजपा कि हम पुनः 70 रुपी सुंदरी में जाके बैठ जाएं और जनता को बेवकूफ बनाते रहें, इस संबंध में उसका पर्दाफाश करने के लिए हम ये पत्रकार वार्ता बुलाए।